इस तरीके से इसकी कटिंग होगी, ये देख सकते हैं सर। इस पर डाल देना आइस, हमको इसके आइट साइड में आइस डालना है जी। और आप इसको बिल्कुल मूव करके कहीं भी ला ले जा सकते हैं, मतलब पर डे का 20 से 25,000 रुपए का आमदनी इसमें से कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई में, और एक ऐसे कंपनी के पास लेकर आया हूं जहां पर मिलने वाला है ये कोको कार्ट, जहाँ पर आप नारियल पानी का बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ पर दो टाइप के मॉडल रखे हुए हैं और ये काफ़ी भाई खूबसूरत होने वाला है, साथ ही आप कहीं भी इसे मूव करके ले जा सकते हैं, चलता फिरता आप इसे दुकान मान सकते हैं। गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी के मौसम में नारियल पानी का बिजनेस हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं या इस तरह की अगर आप कार्ट लेना चाहते हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मिलते हैं सर से और बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। सो हेलो सर, कैसे हो आप? सर नमस्कार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ। और आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप अपना कीमती समय निकाल के इतनी दूर से दिल्ली से चल के यहाँ तक आए हैं। मैंने सर आपका वीडियो देखा था कि आप जो कोको कार्ट है नारियल पानी का बिजनेस करने का, इसका मॉडल आपका कुछ अलग है जी, डिफरेंट टाइप का। मैंने सोचा चलिए सर के पास चलते हैं, और मैं दिल्ली से आपके पास आया हूं इसी कोको कार्ट के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार आप एक कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे सर? जरूर जरूर, मैं सारे व्यूवर्स को अपने कंपनी के बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम परशुराम देवांगन है, जो कि मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ, और हमारी कंपनी भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि हम काफ़ी सारी फूड प्रोसेसिंग मशीनरी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिगार्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि 22 से 25 प्रोडक्ट के हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट आप आज को देखने वाले हो, ये है हमारा कोकोनट कार्ट। कोकोनट कार्ट क्योंकि दोस्तों कोविड के बाद से आपको पता है कि आजकल हर कोई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है, और नारियल पानी का जो फ़ायदा है, नारियल पानी का हमारे जीवन में आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो ये बिजनेस आपका बिजनेस तो होने वाला है, बिजनेस से आप प्रॉफिट करने वाले हैं, इसके अलावा जो आप प्रोडक्ट लोगों को सेल करेंगे वो प्रोडक्ट में एक अच्छा हेल्थ आप लोगों को देने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बनिए रहे, जैसे कि सर इतने दूर से आए हैं तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, और ये हम पूरा आपको दिखाएंगे कि ये कार्ड कैसे वर्क करता है, कितने का मिलेगा, आप इसको कैसे खरीद सकते हैं और कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो सारी जानकारी हमारे द्वारा भी इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहे और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखें। आखिर तक बने रहे क्योंकि हम आपके लिए भाई नया नया बिजनेस की खोज में और नए नए प्रोडक्ट की खोज में कहाँ से कहाँ चलकर आते हैं। तो यहाँ पर सर आप दो मॉडल शोकेस कर रहे हैं जी जी जी, ये कोको कार्ट का, बिल्कुल कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे सर किस तरह का रहता है? सर 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 बिल्कुल, जैसे ये मॉडल आप देख रहे हैं जी, ये है कोको कार्ट जो है FRP मॉडल है, ये फाइबर ग्लास से बना हुआ है सर। ये जैसे आप देख सकते हैं इसका लुक मतलब अट्रैक्टिव है काफी ज्यादा, आप देख सकते हैं ये ग्रीन में है, येलो के साथ जो शेड है, और ये बड़ा है, इसमें बड़ा पीस है, 180 से 200 नारियल का स्टोरेज है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर ये स्टोर है? जी जी जी, ये बिल्कुल यहाँ से स्टोरेज आप इस तरीके से इसके अंदर पूरा स्टोर कर सकते हैं, और ये मूवेबल कार्ट है, इसको आप कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं सकते हैं। और जो दूसरा मॉडल आप देख रहे हैं, ये मॉडल है आपका हमारा स्टेनलेस स्टील का, प्योर एसएस बॉडी में है, जो कि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होने वाली है, और इसके साथ ये आपको ऊपर हुड कंप्लीट मिलता है जी। तो ये दो मॉडल्स है हमारे पास, तो हम ये भी दोनों मॉडल्स के बारे में आपको दिखाएंगे। तो इसका देख लेते हैं सर वर्किंग किस तरह का होता है, कैसे काम कर पाएंगे? जी जी, ये देखिए जो स्टोरेज है, इस स्टोरेज में हमारे जो भी आपका डाब रहेगा, कोकोनट आपका रहेगा, उसको आपको स्टोर करके फिर यहाँ से निकालना। स्टोर कैपेसिटी काफी है सर, कितना? जी जी जी, 180 के आसपास का स्टोरेज है सर इसका। अब देख सकते हैं आप, इस तरीके से इसकी कटिंग होगी, अच्छा, जो कि प्योर हाइजेनिक तरीके से, हाइजेनिक तरीके से और सेफ भी रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से इसको कटिंग किया जाएगा जी। उसके बाद सर अगला प्रोसेस जो है वो इसका ड्रिलिंग का रहेगा, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं सर, ये ड्रिल हो गया आपका। यस वाओ, ये ड्रिल होने के बाद ये हमको इसको इस पर डाल देना, और सारा ये नारियल पानी इसके अंदर। जी जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप इसमें, ये जैसे कि आपका छलनी दिया हुआ है, तो इसमें से जो भी ये फिल्टर होके जी, ये पूरी तरह से नीचे जो है इसमें जो भी हम इसमें इसका बर्तन है उसमें आ जाएगा, और उसके बाद ये फिर चिल्ड होते हुए जी जो भी है बाहर आएगा आपका। हुँ.
और यहाँ से ये नारियल पानी आपका फाइनली नारियल पानी, वो भी प्योरली हाइजीनिक, बिल्कुल बिल्कुल कहीं पर भी हाथ का प्रयोग नहीं है जी जी जी। और यहाँ से आप पर ग्लास आप बेच सकते हो, बिल्कुल ये देख सकते हैं अपने पास प्रॉपर इसमें जो नारियल का पानी आपका आ गया है, ये आप इसको डिस्पोजल ग्लास में ले सकते हैं, ये हमने सैंपल के लिए आपको कांच के ग्लास में दिखाया है। अच्छा, इस कार्ट में हम दो तरीके से नारियल पानी बेच सकते हैं, एक तो नॉर्मल जो हम नारियल कटिंग करके जो नॉर्मल रहेगा, और दूसरा इसमें है दोस्तों हम चिल्ड नारियल पानी भी बेच सकते हैं, जो कि नारियल पानी में कोई बर्फ नहीं मिलने वाला है, ओनली हम उसको टेम्परेचर के थ्रू क्वाइल के थ्रू ठंडा करके वो डिस्पेंस होगा, जो कि हम आपको अभी दिखाते हैं वर्किंग में कैसे होता है वो जी। ये देखिए जैसे इसमें इस तरीके से कैबिनेट है, देख सकते हैं आप, इस कैबिनेट में हमको क्या करना रहेगा, आइस डालना रहेगा। अच्छा, हम दिखाते हैं आपको आइस डाल के भी। इसमें देखिए इसमें हमको इसके आइट साइड में हमको बर्फ डालना रहेगा सर, इसमें हमारा जो है प्रोडक्ट के अंदर किसी प्रकार का आइस नहीं आने वाला है, बर्फ नहीं आने वाला है, बर्फ जो भी आने वाला है वो इसके आइट साइड में रहेगा जी। इसके आइट साइड में बर्फ होने से क्या रहेगा, ये जो बर्तन और इसके अंदर जो हम क्वाइल दिए हैं, ये बर्तन और क्वाइल पूरी तरह से ठंडा रहेगा, और जब इसमें से हमारा नारियल का पानी आएगा जो कि इसके थ्रू फिल्टर होके, इस छन्नी के थ्रू फिल्टर होके जी, जब इसमें हमारा नारियल पानी आएगा और फिर जब इस क्वाइल से ट्रेवल करके वो पूरी तरह क्वाइल से घूमते हुए जब यहाँ से बाहर से डिस्पेंस होगा, तो वो हमारा प्रोडक्ट जो है बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा। अच्छा, जो कि हम आपको दिखाएंगे वर्किंग में, देखिए इस तरीके से आइस हमको इसके आइट साइड में आइस डालना है। इसको और छोटा कीजिए, और गर्मियों के मौसम में वही चिल्ड आपका नारियल का पानी मिल रहा है जी जी जी, और प्योर हाइजेनिक तरीके से होना है सर। ये देख रहे हैं आप पूरा स्टेनलेस स्टील के थ्रू, कोई भी हमारा टच पॉइंट नहीं है, सारा चीज़ इसमें जो है कटिंग ड्रिलिंग और डिस्पेंस जो होगा सारा चीज़ आपका इस मशीन के थ्रू होगा, और जो कि बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से इसको बनाया गया है। ये जैसा आपने देख लिया तो ये फ्रिज की तरह काम करने वाला है जी जी जी। ये सर पूरी तरह मूवेबल है, आप देख सकते हैं ये कार्ट बहुत ही अट्रैक्टिव है जी। और आप इसको बिल्कुल मूव करके कहीं भी ला ले जा सकते हैं, और साथ ही छतरी के अंदर ये हम आपको दिखाते हैं मूव करके, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, कहीं भी आप मूव कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल तो ये होने वाला है भैया, अगर इस बार आप गर्मियों के मौसम में, और कितना सर पर डे का कितना कमा सकते हैं इसमें? सर इसमें सर समझिए ना, ये जो आप नारियल का पंप जो आप देख रहे हैं डाब जी, ये जो एक पीस की जो कॉस्टिंग आती है हमको वो 15-20 रुपए की लागत आती है जी, और जो कि 40-50 रुपए में सेल होता है। तो आप समझ सकते हैं सर 40-50 रुपए में सेल हो रहा है, मतलब एक के पीछे आपको 20-30 रुपए का मुनाफा आना है जी। और अगर आप दिन भर का 200 अगर डाब बेच जाते हैं तो आपको 4-5 हज़ार रुपये का मिनिमम प्रॉफिट आना है। अगर 100 डाब भी अगर आप बेचते हैं, 100 नारियल पानी भी बेचते हैं, 100 ग्लासेस भी, तो भी आपको 2,000-2,500 रुपये की आराम से इसमें से आमदनी हो सकती है। और आप बोल रहे हो कि कई लोग तो ये 8-10 लेकर जाते हैं अपनी कंपनी बनाकर हर जगह, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जैसे आप देख रहे हैं हमने इसको प्लेन रखा हुआ है, इसमें से हमारे ऐसे कई कस्टमर है जो उन्होंने अपना ब्रांडिंग किया हुआ है, इसमें उनके पूरे लोगो जो भी उनका डिजाइनिंग रहता है वो अपना ट्रेडमार्क करा के लगा के, वो उन्होंने 8-10 काउंटर लगा के एक काउंटर से 2-2,500 रुपए कमाई करके, मतलब पर डे का 20-25 हज़ार रुपए का आमदनी इसमें से कर रहे हैं। और ये आजकल आप देखते हैं सर हर जगह इसका क्रेज है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर लगा सकते हैं, किसी ऑफिस प्लेस में लगा सकते हैं, कहीं भी पब्लिक स्पॉट में लगा सकते हैं, स्कूल कॉलेज के बाहर लगा सकते हैं, कोई कॉरपोरेट ऑफिस है वहां लगा सकते हैं, मतलब कहीं भी पब्लिक है, ये ऐसा चीज है। और इसको कोई गर्मी की बात नहीं है सर, ये तो हमको 12 महीने हर समय हमको इसको पीना है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद है,
और इसका आपको पता है इसका स्वाद भी काफी अच्छा होता है, और कहीं पर जमीन रेंट पर लेने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, शॉप रेंट में मतलब आपके, और ये मूवेबल होने से इसका हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर इस प्लेस में हमारे को बिजनेस कम आ रहा है तो हम प्लेस भी चेंज कर सकते हैं, या हम एक दिन में ही कई प्लेसेस बदल सकते हैं। जैसे कोई हम स्कूल के बाहर लगाए तो मॉर्निंग में हम स्कूल के पास लगा लिए, 12 बजे जब स्कूल क्लोज हुआ तो फिर हम किसी ऑफिस के पास लगा लिए, शाम को किसी चौपाटी में लगा लिए हम, तो एक ही दिन में आप इसको 3 से 4 अलग स्पॉट में भी लगा के यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब जहां आपका फुटफॉल है, जहां पब्लिक है, आप वहां पर रिच हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से दोस्तों मूवेबल है। ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह मूवेबल है और बहुत ही आसानी से ये चल सकता है। एंड अगर सर ये दूसरे मॉडल की बात करें जी, इसमें आपने लाइट भी लगाया हुआ है, जैसे इसमें मैंने देखा कि यहाँ पर लाइट नहीं है जी, तो दिन में तो आप कर ही सकते हैं, रात को अलग से आपको लाइट लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी व्यवस्था इसमें आपने दे रखा है जी जी। ये जो दूसरा मॉडल है सर हमारा, ये प्योर स्टेनलेस स्टील मॉडल है जी। ये कैसा है, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, अगर आप इसको काफी ज्यादा समय तक यूज कर सकते हो, मतलब इसको कोई जंग नहीं लगना है, खराब नहीं होना है, और इसकी मजबूती उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सर वो फाइबर ग्लास है, नो डाउट अट्रैक्टिव काफी है वो, बट लाइफ की बात करें तो आप स्टील का लाइफ एक अलग ही होता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी लाइफ काफी ज्यादा रहने वाली है। दूसरा इसके साथ ये एडवांटेज है सर कि आप ये ऊपर का प्लेस को कभी आगे चेंज भी कर सकते हो, हम ये कैबिनेट हटा दें, ये हटा दें, तो नॉर्मल एक कार्ड बन गया, इसमें आप चाहें तो फिर मोमोज बेच सकते हैं, इडली बेच सकते हैं, मतलब ये स्पेस ये जो है आप इसको पूरी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, और भी कोई बिजनेस मतलब सीजन वाइज, अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो नारियल पानी बेच लिया जी, जी गर्मी का मौसम हट गया तो आप इन दोनों को शिफ्ट करके आप मोमोज चाउमीन बर्गर कुछ भी आप बेच सकते हैं। हाँ, मतलब लॉन्ग टाइम आप इसको यूज कर सकते हो, और ये ऊपर हमने इसमें पूरी तरह से ये बनाया हुआ है, देख सकते हो कहीं से, यहाँ से इंडिया से कहीं भी बाहर बेचते हो तो हम ये डिसमेंटल हो जाता है, ये चारों खंभे अलग हो जाते हैं, अलग हो जाता है, और हम इसको डिसमेंटल करके बेच देते हैं। और यहाँ पर इसकी कैपेसिटी जी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी करीब 100 नारियल, इसमें 100 पीसेस की कैपेसिटी है नारियल। और अगर आप मोमोज बर्गर कर रहे हो तो सारा गैस सिलेंडर आपका सब कुछ इसके अंदर आ जाने वाला बिल्कुल, है। बिल्कुल 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 सर। बात करें सर अगर इन्वेस्टमेंट की, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा सर? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं हमारे साथ, अगर ये कार्ड खरीद के, तो जैसे कि आप येलो वाला FRP का कार्ड देख रहे हैं जो आप, ये वाला जी, ये कार्ड का प्राइस है सर 61,000 रुपए की जी। और ये जो हमारा स्टील का SS वाला जो प्योर, ये आपका आने वाला है सर, ये आपका समझ लीजिए 68,000 का आएगा, ये वो 61,000 का, ये 68,000 का। इसमें सर एक चीज और होता है, हम यहाँ पर एक मैनुअल जूसर भी फिट करके देते हैं, अगर किसी का रहा कस्टमर का तो यहाँ पर 8,000 रुपए इंक्रीज हो जाएगा। इसमें से वो मैनुअल जूसर भी, जिसमें हम मौसम्बी का, संतरे का या अनार का, कोई इस तरीके से जूस का भी बिजनेस करना चाहते हैं तो इसी कार्ड के साथ हो जाएगा, यहाँ पर वो हमारा सेट हो जाता है यहाँ या उस कोने में, जिसमें आप इसके साथ नारियल पानी के साथ साथ आप अदर फ्रूट का जो जूस होता है, जो हम मौसम्बी का हो, संतरे का हो, अनार का हो, पाइनएप्पल का हो, ये बिजनेस भी इसी कार्ड के साथ आपको किया जा सकता है। उस कंडीशन में इसकी प्राइस जो है 76,000 हो जाएगी, बिना जूसर के हम ये जैसे दिखा रहे हैं आपको, इस कंडीशन में आपकी ये 68,000 इसकी प्राइसिंग रहेगी, 61,000 प्राइसिंग उसकी रहेगी। मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चेंजेस हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। और इसमें सर जो भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है और जो भी इसका GST है, वो कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना रहेगा जी। हमारा बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी हमारा डिलीवरी है, अगर कोई कहीं से भी अप्रोच करता है कस्टमर तो यहाँ तो आके विजिट कर सकते हैं, या चाहे तो हमको ऑनलाइन पेमेंट करके भी, हमारी कंपनी इंडिया मार्ट जस्ट डायल जैसे पोर्टल में भी रजिस्टर्ड है, और हमारे वेबसाइट में भी जा सकते हैं www.sodaclub.in.com पे, तो आप किसी तरह के सर्च कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम तो बोलेंगे आप एक बार विजिट कीजिए, आइए यहाँ पर, हमारे पास और भी काफी सारी प्रोडक्ट है सर, जैसे आपने आया तो देखा है, तो ये सारी चीजों की आपकी जानकारी कस्टमर को मिल जाएगी। इसे आप कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे सर? यहाँ पर हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, जैसे कि हम वाया ट्रांसपोर्ट भेज सकते हैं, दूसरा वाया रेल भेज सकते हैं, ट्रेन के थ्रू भी माल जाता है जहाँ पर स्टॉपेज है, तीसरा कई कस्टमर जो नियरेस्ट होते हैं, आसपास के होते हैं, वो बाई रोड ले जाते हैं, या जय जैसे अभी कई कस्टमर्स के बारे में बताया जो हमसे इसमें ब्रांड बनाया, जो अपना जो 10 पीस कोको कार्ट एक साथ लिए, जैसे केरल के क्लाइंट थे हमारे, तो वो 10 पीस उनको एक साथ ले जाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना पर्सनल गाड़ी बुक करके उन्होंने यहाँ से लेके गया, ताकि थोड़ा डैमेज इशू नहीं आता है, पर्सनल गाड़ी
गाड़ी जाने से, और बाकी तो पूरा ऑल ओवर इंडिया हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, जिस तरीके से कस्टमर चाहे उस तरीके से हम उनको ये माल पहुंचा सकते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो कस्टमर को पे करना होता है। सो अगर कोई सर यहाँ पर विजिट करना चाहे तो उनके लिए एड्रेस क्या रहेगा सर? यहाँ पर कोई विजिट करना चाहते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी कंपनी जो है भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, और हमारी जो हमारा जो कैपिटल है, राजधानी है, वो रायपुर पड़ता है, और यहाँ पर हमारा यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पे दुर्ग जंक्शन है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पावर हाउस रेलवे स्टेशन है, और हमारा जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर है जो कि रायपुर में है। तो आप किसी भी माध्यम से आ सकते हैं या बाई रोड आ सकते हैं। यहाँ हमारा सुपेला घड़ी चौक से हमारा ऑफिस काफ़ी नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और आप देख सकते हैं कि ये हमारा डिस्प्ले पे जो है आपको हमारा नंबर चलता हुआ दिख रहा है, तो इसमें आप कॉल कीजिए। जो भी हमारी टेलीकॉलर से जो भी हमारी टीम बैठी हुई है वो टीम आपको पूरा सपोर्ट देने वाली है, जो भी आपको एड्रेस से रिगार्डिंग हो या आपको आने से रिगार्डिंग हो या आपको ऑनलाइन वहीं से परचेसिंग करने से रिलेटेड हो, सारा जानकारी दिया जाएगा। बस मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी जो कॉलिंग टाइमिंग है वो 10:30 से 6:30 के बीच में रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा प्रॉपर अच्छे से रिस्पॉन्स दिया जाए। और अगर आप लेट नाइट अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो आप हमको व्हाट्सअप में वहाँ डिटेल छोड़ दीजिए, जो भी हमारे नंबर्स हैं स्क्रीन पे दिख रहा है या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें आप लेट नाइट हैं तो आप व्हाट्सअप में अप्रोच कीजिए, मॉर्निंग हमारी टीम आते ही आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने से ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आधा वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी अधूरी रह जाएगी। चलिए थैंक यू सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया और अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताया। सो हमारे दर्शकों को जाहिर सी बात है कि उनको पसंद आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इस तरह की बिजनेस आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और जो भी एड्रेस है मैं वीडियो के स्क्रीन पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।